बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम ख़बर शेयर करने वाली हूँ। ये ख़बर जो है ये हमारी प्राइस बॉन्ड से रिलेटेड है। जी तो प्राइस बॉन्ड से रिलेटेड जो अहम ख़बर बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आइंदा आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आपसे जो प्राइस बॉन्ड से रिलेटेड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि 7,500 वाले और 25,000 वाले प्राइस बॉन्ड की कुरंदाजी जो कि बरोज़ जुमा 1 मई को होनी थी वो अब नहीं होगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मई को लेबर डे होता है। लेबर डे से मुराद है मज़दूरों का दिन। मज़दूरों का दिन होता है इसलिए कल जो है वो टोटली छुट्टी होगी। कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो बंद होगा। इसीलिए 7,500 वाले और 25,000 वाले प्राइस बॉन्ड्स की कुरंदाजी बरोज़ जुमा को नहीं होगी। जी तो व्यूवर्स, अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये कुरंदाजी कब होगी। जी तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि 7,500 वाले प्राइस बॉन्ड की कुरंदाजी 4 मई बरोज़ पीर को पेशावर में होगी और 25,000 वाले प्राइस बॉन्ड्स की कुरंदाजी 4 मई बरोज़ पीर को रावलपिंडी में मुनक़िद होगी। जी तो व्यूवर्स, अब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और अगर आपको सबसे पहले लिस्ट चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सबसे पहले जो है वो लिस्ट ताज़ा तरीन मिल सके।